जिंदगी बदलती है वो तीन तरीके से बदलती है, और आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से वो तीन तरीके हैं जहां पर हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप देखेंगे एक रेंगने वाला कीड़ा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, उनके जीवन में एक ऐसा एक वक्त आता है और रेंगने वाला कीड़ा उड़ने लगता है, बटरफ्लाई बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी तीन बातें हैं जहाँ पर इंसान में बदलाव आता है, जहाँ पर इंसान मिलीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से किलोमीटर बन जाता है। लेकिन कब? तो तीन चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, एक होता है शब्दों के द्वारा यानी विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हमारा जीवन बदलता है। शब्दों द्वारा हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्योंकि हम जो अपने आप को समझते हैं हम धीरे धीरे वही बनने लगते हैं। हम जो अपने आप को समझते हैं, जो शब्द हमारे दिमाग में जाते हैं वही हमें रियल बनाने लगते हैं। एक स्कूल में एक लड़का जाता है, रोज़ बोलता है मुझे इंजीनियर बन जाता है। वही दूसरा लड़का जाता है, बोलता है मुझे जुआरी बन जाता है। वहीं पर एक उसी स्कूल में एक और लड़का जाता है, वो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाता है। उसी में एक लड़की भी जाती है जो बोलती है मुझे टीचर बनना है, और वो आगे आने वाले दिनों में टीचर बन जाती है। शब्दों से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, शब्द हमारी दुनिया है। दूसरे नंबर पर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है किसी को देखकर जीवन में सीखते हैं। बंदर देखते हैं और बंदर करते हैं। वो बचपन में कहानी आपने सुनी होगी, वो बंदर रहता है, वो एक टोपी वाला रहता है, टोपी बेचने वाला रहता है, टोपी उतार देता तो सारे बंदर टोपी उतार देते हैं। वो पत्थर फेंकता है तो वो लोग भी गुलेर वगैरह से वो जो भी रहता है अमरूद वगैरह फेंकने लगते हैं। हमारा जो एक कोना हमारा दिमाग का क्या है, हम जो देखते हैं वही बन जाते हैं। तरबूज को देख के तरबूजा, घर में एक बहू रहती है लेकिन जैसी दूसरी बहू आ जाती है पहली बहू का चाल चलन बदल जाता है ना, बराबर ना, होता है ऐसा कभी देखा आपने? तो ये है देखकर, हम देखकर सीखते हैं। हम देखते बाजू में लोग कैसे चल रहे हैं, हम देखते लोग ट्रेन में कैसे चल रहे हैं, हम देखते लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हम बड़े होटल में जाते तो हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे खाना है। हम किसी को देखते चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, रुमाल ऐसे रखते हैं, हम देखकर सीखते हैं, और देखकर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो पहला शब्दों से, दूसरा देखकर, और तीसरा जो आता है हमें कुछ तो हमारे लाइफ में ट्रिगर पॉइंट आता है। क्या आता है? ट्रिगर पॉइंट यानी किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमको बोला कि तुमसे ये नहीं होगा, अरे तुम लोग तो नहीं कर सकते, अरे तुम तो पहाड़े पे रहते, अरे तुम तो उसके बच्चे हैं, अरे तुम तो शर्मा है, तुम तो वर्मा है, तुम तो गुप्ता है, तुम तो मिश्रा है, अरे तुम तो पाटिल है, तुम तो मोरे है। साहब कई बार होता ना, लोग हमको बोलते हैं, चैलेंज देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, और बस वही एक मौका होता है लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का। 1892 में एक घटना घटी थी। साउथ अफ्रीका में एक आदमी रहता है, बैरिस्टर रहता है, कोट टाई सूट में रहता है, फर्स्ट क्लास से जाता रहता है। मोजबर स्टेशन पे एक पर्सन आता है, साउथ अफ्रीका के मोजबर स्टेशन पे एक पर्सन टीसी आता है, बोले साहब टिकट बताना। वो टिकट बताते, बोले टिकट किसने दिया आपको? बोले मेरे को पोस्ट से आया है। बोले आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आप इंडियन हैं, और इंडियन लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर सकते हैं, और उसको धक्के मार के उतार देते हैं। उसके बाद क्या होता है पता है आपको? उस लाइफ के ट्रिगर ने उस आदमी की जीवन को बदल दिया। मोहनदास नाम का आदमी कब महात्मा गांधी बन गया किसी को पता नहीं चला। एक फिल्म मैंने देखी थी, शिल्पा शेट्टी नाम की हीरोइन रहती है। शिल्पा शेट्टी जो रहती है वो सुनील शेट्टी को मना कर देती है, और एक बहुत बड़े उसके कहानी का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी रहता है अक्षय कुमार, उससे वो शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि तुम तो गरीब है, सुनील शेट्टी को बोलती तुम तो गरीब है, तुम लोग तो ऐसे, तुम लोग तो वैसे, 50 रुपये लेते हैं, स्लीपर पहनते हैं। अब बस उसके लाइफ में ट्रिगर पॉइंट आता है, और यही ट्रिगर पॉइंट उसको बदल देता है। आपके भी लाइफ में कोई ट्रिगर पॉइंट आया ना साहब, उसको पॉजिटिव लीजिए और कुछ करके दिखाइए। अब कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसे नहीं गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके जाना है, तब जाके जीवन में बदलाव आएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये तीन पड़ाव आते हैं। एक वो शब्दों से अपने जीवन को बदलता है, जो स्लोली बदलता है। एक या तो उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं देख लेता है, ऐसी घटना उसके सामने दिखाई देती है, बदल देता है। और तीसरा उसके साथ ऐसा इमोशनली ऐसा कुछ कर दिया जाता है, उस समय वो बदल जाता है।
उस समय वो बदल जाता है। मित्रों, ये बातें थी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की, और अमीर बनने के लिए भी इसमें से किसी एक को अपना हथियार बनाइए। अगर आपके साथ कोई घटना नहीं घटी है, अपने आप को रोज़ शब्दों से बोलिए। अगर कोई शब्दों से नहीं हुआ तो किसी अमीर इंसान को अपना मेंटर बनाइए। एलन मस्क को मेंटर बनाइए, अंबानी साहब को मेंटर बनाइए। एक बहुत अच्छा आज किसी का किसी हमारे एक प्रोफेसर साहब ने मुझे एक जोक भेजा था, तो जोक में क्या लिखा था कि माँ कहती है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो आप वैसे ही बन जाओगे। माँ कहती है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो भगवान आपको वही बना देता है। तो सर ने आगे लिखा, इसलिए अब मैं रोज़ अंबानी साहब का मजाक उड़ाता हूँ, ताकि मैं भी अमीर बन जाऊँ। मित्रों, ये बातें थी, तो मुझे लगा, मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और उन सभी मैं दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब जगह फैला रहे हैं। देखिए, हमें समाज में ना सकारात्मकता फैलानी है, और सकारात्मकता कब फैलेगी? आपसे और हमसे ही फैलेगी। धन्यवाद।